हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, अभी का जो वीडियो है ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी। और डियर, मैं यहाँ देखना चाहूंगी कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है, आपको लेकर ट्रू इंटेंशन क्या है। ठीक है, ये मैं देखना चाहती हूँ कि क्या सच्चाई है आपको लेकर, क्या वो सोचते हैं आपको लेकर, क्या वो पॉजिटिव है या आपको लेकर निगेटिव है, मतलब उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, तो मैं हाँ उनकी ट्रू इंटेंशन जानने की कोशिश करूंगी। क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, या फिर यूं ही आपसे दिल लगी कर रहे हैं। तो यहां से मैं देखना चाहूंगी, फिर एंजल्स गाइडेंस भी लेना चाहूंगी। डियर, मैं बोलना चाहती हूँ आपसे एक बात कि देखिए, आप लोग वीडियो जरूर देखते हो, ठीक है, लेकिन देखिए क्या है कि वीडियो को जो आप देखते हो वो देखिए आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी होती है। ठीक है, एनर्जी एक सेकंड, एक मिनट में चेंज होती है, ये उनके मूड पर वीडियो बनता है। ठीक है, कभी आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, कभी आपके लिए बहुत गुस्सा दिखाते हैं, कभी आपके लिए बहुत ज्यादा फील करते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो ये एनर्जी है बाबू, ठीक है, कभी भी किसी समय इनका मूड चेंज हो सकता है। आज पूरे दिन में कुछ भी ये सोच सकते हैं, आज पूरे दिन में कुछ भी ये एक्शन ले सकते हैं। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी होगी यहां निकल कर आती है, जो उनका सिचुएशन होता है, जो उनकी करिश एनर्जी होती है। ठीक है, देखिए ये पर्सन में थोड़ा ईगो भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन में देखिए ईगो भी है, आपको स्पाई भी कर रही है ये पर्सन, देख रहे हो आप। ये पर्सन फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हैं, हो सकता है इनमें ईगो हो डियर। ठीक है, लेकिन ये हमेशा देखिएगा बाबू, तीन कार्ड में ले लेती हूँ एंजल से। ठीक है, देखिए आस्क योर एंजल्स, देखिए एंजल्स आपके साथ है। ठीक है, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होती हो, कोई भी सिचुएशन आप फंसे हुए अटके हो, डिप्रेशन, टेंशन, दर्द, पेन, कुछ भी हो बाबू, तो एंजल्स भी आपके साथ रहते हैं, वो भी एक पावरफुल एनर्जी है, आप उनसे हेल्प मांग कर देखिए। ठीक है, आपको एंजल्स किस तरह मदद करते हैं ये आप शायद अब तक अनुभव कर चुके होंगे या कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। आप एंजल्स से साइन मांग कर देखिए, उनसे हेल्प मांग कर देखिए, उन पर विश्वास कर देखिए। ठीक है, तो ही आपके अंदर देखिए हीलिंग आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, क्योंकि हम सब एक एनर्जी है बाबू, हमेशा याद रखिएगा। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, क्या बात है, द मैजिशियन, उसके बाद द चैरियट। देखिए आप लोग सोलमेट हो सकते हो डियर। ठीक है, अवंडेंस, वेट एंड ट्रस्ट, एक मिनट इसको हटा देती हूँ, क्रिस्टल को इधर रखती हूँ और इसको भी इधर रखती हूँ। देखिए डियर क्या आया है, देखिए आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, आप देख रहे हो। द चैरियट, द एम्परर, टू ऑफ सोर्ड, मैजिशियन। ठीक है, एंजल्स मैसेज से आया अवंडेंस, ट्रस्ट और वेट। देखिए आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है बाबू, देखिए पहले तो आप लोग सोलमेट हो सकते हो। ठीक है, ट्रस्ट का आया है और वेट का आया है। देखिए पहले तो आपके पर्सन, मैं बता दूं, ये बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं डियर, ये पर्सन बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी यहां कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं ये पर्सन। देखिए इनका इंटेंशन क्या है आपको लेकर, प्यार और आपको लेके, प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, कैसे मिले, क्या करूं, कैसे आपसे बात करूं, कैसे कॉन्टेक्ट करूं, ये इमेजिन भी बहुत कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी बहुत कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त डियर, इनके दिमाग में ये कुछ चल रहा है आपको लेकर, क्योंकि ये कह रहा है कि उनको प्यार आपका चाहिए और आप चाहिए, ये मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं। लेकिन देखिए इनका इंटेंशन क्या है, इनका इंटेंशन है कि टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, इस इंसान के पास दो च्वाइस है बाबू, मैं बोल देती हूँ, इस इंसान के पास दो च्वाइस है। ठीक है, ये
ये पर्सन जो है थोड़ा सा ये ऑप्शन में अटके हुए हैं, डिसीजन को लेकर थोड़ा सा ये रुक भी रहे हैं। मैं बोल दे रही हूं वेट की भी एनर्जी आई है, तो ये पर्सन डिसीजन को लेकर थोड़ा खुद को रोक भी रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये आपको पसंद करते हैं। ठीक है, अगर इनको दो च्वाइस है तो इनका ट्रू इंटेंशन है कि आपको इन्होंने पूरी तरह छोड़ा नहीं है, बस समय अभी ऐसा नहीं है, वक्त ऐसा नहीं आया है, ये वेट करा सकते हैं आपको। ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, ठीक है, और इनके च्वाइस है, ऑप्शन है, जहां ये अभी स्टक है, परेशान हो सकते हैं अपने लाइफ में डियर, लेकिन ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन गॉड से ये प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सही समय पर ये डिसीजन लेंगे डियर। इन्होंने कहा मैंने पूरी तरह तुम्हें छोड़ा नहीं है, हाँ मैं डिसीजन लूंगा, थोड़ा वक्त लगेगा, ये आपको वेट कराना चाहते हैं डियर, एक्शन लेना चाहते हैं, दिल दुखा हुआ है। ठीक है, इनका मुझे लग रहा है यहाँ हार्ट चक्र में भी पेन हो रहा होगा डियर, ठीक है, या हार्ट चक्र ब्लॉक होगा, ये ओपन नहीं हो रहे हैं, ऐसा लगता है, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको कुछ भी लाइफ में अच्छा फील नहीं हो रहा है। लेकिन मैं यहां बोल दूं कि ये पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं, ये आपको पसंद बहुत करते हैं, ये पर्सन बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ये आपको अपनाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स है, ऑप्शन है, टू ऑफ सोर्स द चैरियट। हो सकता है कि कास्ट इश्यू हो, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है डियर, आप लोग सोलमेट जर्नी में हो सकते हो और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, ये भी फील करते हैं, ये पर्सन भी फील करते हैं, क्योंकि तभी तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये फोकस है आप पर, मैं कह दूं ये फोकस है आप पर। इन्होंने कहा मैंने पूरी तरह तुम्हें छोड़ा नहीं है, हाँ थोड़ा वक्त लग सकता है, ये आपको कहना चाहते हैं, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं इस वक्त आपको। हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या फिर आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन डियर देखिए, इस पर्सन अगर आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई है, देखिए जो भी प्रॉब्लम्स आई है, इनका ट्रू इंटेंशन कह रहा है कि विश्वास की कमी हुई है, या फिर आप दोनों में फाइटिंग हुई है, शक की एनर्जी हुई है, ऑप्शन की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों में दुनिया बनी है, डिस्टेंस मेंटेन किया आप दोनों ने, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कहना चाहते हैं कि जो भी आप दोनों में दुनिया आई है ये विश्वास की कमी की वजह से हुआ है, लेकिन ये आपका भी वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें मना लो, आप उनसे बात कर लो। ठीक है, लेकिन इस वक्त ये पर्सन के लाइफ में अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जितना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं उतना अपने करियर अवेंडेंस को, सक्सेस को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं करियर, जॉब, फाइनेंस और आपको। ठीक है, लेकिन ये आपका भी वेट कर रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, ये पर्सन आपका भी वेट कर रहे हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं आप दोनों में डिस्टेंस जो भी हुआ है वो ट्रस्ट इश्यू के वजह से हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। इनका देखिए, इनका एनर्जी मैं देख रही हूं कि ये पर्सन में ईगो भी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा अग्रेसिव मूड का है, हो सकता है इसमें लीडरशिप की क्वालिटी हो। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है, ये पर्सन में लीडरशिप की क्वालिटी हो, थोड़ा ईगो हो। ठीक है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ फोकस है इस वक्त, लेकिन आपकी तरफ भी बहुत अट्रैक्ट है, क्योंकि हो सकता है आप एक दूसरे के सोलमेट हो। ठीक है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों में, इसीलिए यहां पे यही हो रहा है डियर कि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपका भी इंतजार कर रहे हैं कि आप पहल करो, क्योंकि आप दोनों में अगर डिस्टेंस आया है, फाइटिंग झगड़े हुए हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप शुरुआत कर दो, आपसे उम्मीद लगाकर बैठे ये पर्सन, लेकिन इसलिए जितना इम्पोर्टेंट आप हो उससे कई गुना इनके लाइफ में अभी इस वक्त देखा जाए तो अवेंडेंस है। ठीक है, लेकिन अवेंडेंस के लिए भी आप समझ रहे क्यों, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके साथ कुछ इन्होंने सोचा है और उसके लिए इनको स्टेबल होना बहुत जरूरी है। हो सकता है ये लीडर हो या लीडरशिप की क्वालिटी हो इनमें। ठीक है, लेकिन कास्ट इश्यू भी मुझे यहां दिख रहा है बाबू। ठीक है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों में है, लेकिन ये पर्सन यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अवेयरनेस, करियर, जॉब और आप, और उम्मीद आपसे लगाकर बैठे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है।
भले ही ये इनके लाइफ में ऑप्शंस हो, ठीक है, या ये मैरिड हो, ठीक है, या दो च्वाइस हो, लेकिन ये कह रहे हैं मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूं, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, मुझे इस रिश्ते का एहसास है, मैं अपने करियर पर अवेयरनेस पर बहुत ज्यादा फोकस हूं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन मुझे तुमसे भी उम्मीद है कि शायद आपने उन पर विश्वास ना किया हो, झगड़े फाइटिंग क्यों, जहां ट्रस्ट इश्यू की एनर्जी मुझे दिख रही है बाबू, ठीक है, ट्रस्ट इश्यू की एनर्जी दिख रही है। तो ये पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच गलतफहमियां हुई है ये विश्वास की कमी के वजह से हुई है, लेकिन उम्मीद आपसे ये करके बैठे हुए हैं। ये पर्सन बहुत ही आप पर गुस्सा, अग्रेसिव, मैनिपुलेट भी आपको इन्होंने किया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन इनका मूड क्या होता है डियर, जब चाह आपके लाइफ में आ गए, जब चाह ये चले गए, इनका मूड हुआ तो आपके तरफ चले आए। अभी भी देखिए ये मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, अभी मैं क्लियर यहां नहीं बोलूंगी डियर कि ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं और परमानेंट आ रहे हैं, मुझे यहां परमानेंट बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन आज भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि ट्रस्ट इश्यू है, आपका ही वो वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें मना लो, बात कर लो, क्योंकि कुछ कमी हुई है तो आप दोनों की जो फाइटिंग झगड़े हुए हैं ट्रस्ट इश्यू की वजह से, आपने उन पर शक किया या फिर आप उन पर शक करो, जो भी एक दूसरे पर शक किया हो, जहां विश्वास की कमी की वजह से ये रिश्ते में दूरियां बढ़ी, ये सोच रहे हैं। लेकिन हो सकता है ये पर्सन आप पर थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, अग्रेसिव फाइट करना, ईगो दिखाना, पर प्यार है डियर, इनके अंदर है कि मैंने जो पा लिया, जो पा लिया, इसलिए डियर ये बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चाहते हैं उनको ये पाते हैं, इनका कहना ये है, इनका ट्रू इंटेंशन यही है, अभी भी है, कोशिश तो यही करेंगे डियर, लेकिन ट्रू इंटेंशन है कि ये मैनिफेस्ट करें कि आप उनसे बात कर लो, आप उनके तरफ एक्शन ले लो, प्यार है, लेकिन फिर भी यहां पे आपको ये हो सकता है, बोल सकते हैं कि आपसे उम्मीदें हैं कि आप उनसे बात कर लो, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो इस मेरे व्यूअर्स आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन आप तो हो ही, लेकिन सबसे ज्यादा अवेंडेंस है इनके लाइफ में, अभी करियर फाइनेंस जॉब पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप दुनिया बनाई है, लेकिन आपको इन्होंने छोड़ा नहीं है, इनकी हो सकती है अच्छी नेम फेम हो, ठीक है, हो सकता है अच्छे पोजिशन पर हो, एक लीडर हो, इनके अंडर में बहुत लोग काम करता हो, ये भी मुझे दिख रहा है, लेकिन इस पर्सन में ईगो है डियर, ये झुकना जल्दी नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ प्यार है, रिश्ते को निभाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं और ये निभाएंगे, इसलिए यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली है, ठीक है, और इसलिए कि कह रहे हैं कि आंख पे अभी पट्टी बंधी है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुमसे परमानेंट मैंने मूव ऑन कर लिया है या कर लिया है, मेलो फीमेलो डियर, ठीक है, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं करियर जॉब फाइनेंस, इस वक्त उनका ट्रू इंटेंशन यही है, लेकिन ये वेट कराएंगे, आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यू हुई है, लेकिन आप लोग डिवाइनली गाइडेड हो, आप लोग सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अवेयरनेस, करियर, जॉब, नेम, फेम, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इनको बहुत ज्यादा इस वक्त दिख रहा है, अभी इनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, बस करियर फाइनेंस जॉब अवेयरनेस सक्सेस नेम फेम मान सम्मान, क्योंकि यहां लीडरशिप की क्वालिटी आई है, तो ये पर्सन आपसे भी उम्मीद कर बैठे हैं, लेकिन ट्रस्ट इश्यू है, ये कहना चाहते हैं, इनके दिमाग में चल रहा है डियर कि अगर ट्रस्ट इश्यू है तो आपने उन पर शक किया है, आपने उन पर फाइट किया है, जो भी किया आपने किया है, लेकिन ये दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक बार बात हो जाए, लेकिन डियर ये पर्सन कभी भी इनका मूड स्विंग हो सकता है, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है ये एनर्जी है, क्योंकि इनके मन में जो आता है वो करते हैं, लेकिन अभी भी मैं बोल दूं डियर कि ये जो चाहते हैं वो पाते हैं, ये अभी भी आपके तरफ क्लियर नहीं कह रहे कि मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं या फिर आपके लाइफ में मैं परमानेंट आ रहा हूं, इनका ट्रू इंटेंशन है करियर जॉब फाइनेंस और आपका प्यार, आपका सपोर्ट, एक बार आप उनसे बात कर लो, लेकिन यार ये भी है कि आप अगर बात भी करते हो तो इस पर्सन में ईगो भी आ सकता है, इनको लगे कि चलो बात भी हो गई और मैं झुका भी नहीं, लेकिन प्यार है बाबू, क्योंकि द चैरियट है, द एम्परर, प्यार है, अनकंडीशनल लव है, लेकिन वेटिंग एनर्जी भी है, ट्रस्ट इश्यू भी है, अवेयरनेस है, इस वक्त ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ फोकस है, लेकिन आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स।
ट्रू इंटेंशन आपको लेकर, ये पर्सन प्यार तो करते हैं, थोड़ा इगोइस्टिक है, लेकिन अपने काम पर फोकस है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन उम्मीद आपसे भी है, ट्रस्ट इश्यू हुआ है और आपको इन्होंने छोड़ा नहीं। अभी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करियर, फाइनेंस, जॉब अवेयरनेस, सक्सेस, स्टेबिलिटी, बेस्ट ईयर, ये इनका ट्रू इंटेंशन है बाबू। ठीक है, तो ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी और उनके दिमाग जो चल रहा था वही निकल कर आया बाबू। लेकिन मैं यही बोलूंगी, ये एनर्जी है, गाइडेंस फॉलो करेंगे तो लाइफ चेंज होगा, इसीलिए ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें और लाइफ हमेशा पॉजिटिव रहें। आप भी मैनिफेस्ट करें अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपना अच्छा हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ अवेयरनेस। ठीक है, आप भी यहां आ सकते हो, लीडरशिप की क्वालिटी में हो सकते हो, आपके अंदर विश्वास जाग रहा है और जागेगा, थोड़ा वेट कर लीजिए, आपके लाइफ में भी अवेयरनेस आ रहा है बाबू। ठीक है, आप जो मैनिफेस्ट करो वो आपको मिलेगा। अवेयरनेस करियर भी होता है, फाइनेंस भी होता है, लव लाइफ भी होता है, अच्छे रिश्ते भी होते हैं, तो हर क्षेत्र से आपको अवेयरनेस मिलेगा। और अगर आप पॉजिटिव रहते हो, मैनिफेस्ट करते हो और खुद को हील करते हो, इनका काम है एनर्जी, इनका एनर्जी चेंज होता है, मूड स्विंग होता है, लेकिन आप खुद को बदलोगे तो बहुत लोगों को बदल सकते हो। आप ये स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप में इतना पावर है, द मजिशियन, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये आपके लिए गाइडेंस भी है बाबू, है ना। तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, आपका मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग है और विश्वास कीजिए आप यहां तक जरूर पहुंचेंगे। प्यार अनकंडीशनल है, डिवाइनली गाइडेड हो, आपके सोलमेट हैं, आपके पार्टनर, आप उनके सोलमेट हो, यहाँ पे ये एनर्जी निकल कर आई है। तो चलिए बाबू, ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबाए दिया, और मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना हो तो मेरे ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट करें, ईमेल आईडी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं। अगर बुकिंग कराना है तो पहले से बुकिंग करा सकते हो, टाइम टेबल मैं दे दूंगी। अगर आप सोलमेट जर्नी, ट्विन जर्नी में हो उसका, या कार्मिक डील कर रहे हो उसका भी आप एनर्जी चेक करा सकते हो, या फिर अपने पार्टनर का अपनी एनर्जी चेक करा सकते हो, चक्रास बैलेंस करा सकते हो, मतलब आपको जो भी सेशन बुक कराना है आप करा सकते हो डियर। ठीक है, अगर इंटरेस्टेड हो तो पहले से बुकिंग करा सकते हो और मैं आपको टाइम टेबल दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए, आप पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।